हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। 9 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स का ये सेशन है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स का सेशन आप लोग के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इन डेप्थ इसमें हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। एंड वेलकम टू झांसर अकेडमी फॉर आईएएस। तो आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आप लोग को जानकारी दे दूं। तो नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, तो ये क्या है, ये बॉडी क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। इसका टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जन औषधि दिवस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न एंड स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देन इंडिया की पहली IAF इंडियन एयरफोर्स की महिला ऑफिसर हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि फ्रंटलाइन यूनिट में कमांड करने वाली है, राइट? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। फिर बताया जा रहा है कि हमारे इंडियन बॉर्डर्स पर कंटिन्यूअस निगरानी रखने की आवश्यकता है, तो ये अभी रिसेंटली जो है वो बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस चीज की नीड पर जो है वो स्ट्रेस डाला, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। एक अच्छा आर्टिकल है हमारी बॉर्डर की सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड, राइट? एंड फिर इसके अलावा देखो, हमारे स्पेस पे बहुत ज्यादा मलबा है, राइट? मलबा मतलब कि सैटेलाइट्स टूट जाती हैं या वहां पर जो भी रॉकेट्स वगैरह हम लोग जो है वो छोड़ते हैं तो वो जो है वहां पर छूट जाते हैं। एक बार जो है वो शटल, जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, एक बार जैसी रॉकेट जो है उसने सैटेलाइट को प्लेस किया तो उसके कुछ हिस्से जो है वो हमेशा जो है वो मंडराते रहते हैं, कहां पर, स्पेस पे। तो उसके कारण काफी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है आज की डेट में। तो उसी चीज को लेकर हम लोग जो है वो आज की डेट में एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहे हैं कि इस प्रकार का मलबा जो है वो ना स्पेस में रहे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेम फील्ड के बारे में। एक टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, यूनाइटेड नेशन ने हाईलाइट किया है कि आज की डेट में बहुत बड़ा गैप हम लोग को नजर आता है ग्लोबल लेवल पर स्टेम फील्ड में। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की फील्ड में महिला कम से कम हम लोग को इसमें देखने को मिल रही है। तो ये सब जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स के क्विज आएंगे। देन हम लोग जो है वो स्टेट पीएससी और मेनली वन डे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करंट अफेयर्स को देखें तो इसमें एक न्यूज आ रही है कि यूनिसेफ का कहना यह है कि नंबर ऑफ प्रेग्नेंट महिलाएं जो बेसिकली माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रही हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फिर हम लोग याओशांग फेस्टिवल के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मणिपुर का है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल वुमेन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 8 मार्च को, तो उससे रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ये वाला टॉपिक ऑलरेडी हमने इंडियन एयरफोर्स की महिला से रिलेटेड कवर कर लिया है, मतलब आज कवर कर लेंगे, मतलब ये रिपीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक। फिर थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो वर्चुअली हुई, इलेक्शन कमीशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया 9 मार्च को, तो ये क्या कॉन्फ्रेंस थी, कौन कौन लोग आए थे, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के बारे में, ये टॉपिक रिपीट हो गया, इसके बारे में हमने कल जो है वो चर्चा करी थी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के बारे में। देन महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने अभी इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रखा है 2022-2023 का महाराष्ट्र के अंदर, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, महाराष्ट्र से जुड़ी चीज है। फिर एक्टर सतीश कौशिक, इनका भी रिसेंटली निधन हुआ है, इन्होंने अपने करियर को जो है वो शुरू किया था 1983 में, राइट, मासूम करके एक फिल्म थी। फिर मानिक साहा ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं दूसरी बार त्रिपुरा के, तो बस ये फैक्ट बस आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने प्रपोज किया है कि इंडिया जो है वो एक मेगा ग्लोबल अलायंस जो है वो लॉन्च करेगी बिग कैट्स को प्रमोट प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। बिग कैट्स टोटल 7 है इसके अंदर, जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड वगैरह, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंडिया में बनाई गई सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट जो है वो अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला, INS विशाखापट्टनम से जो है वो किया गया। देन हम लोग चर्चा करेंगे सिप्रा दास के बारे में, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिला 8th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड सेरेमनी के दौरान, और भी काफी सारे विजेता है तो जिनके बारे में बात की जा रही है। इसरो ने रिवील किया है एक स्टडी, टॉप 10 लैंडस्लाइड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया की, इंडिया के अंदर टॉप 10 लैंडस्लाइड डिस्ट्रिक्ट कौन सी, उत्तराखंड सबसे ज्यादा वल्नरेबल बताया जा रहा है। कॉनराड के संगमा, और संगमा ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मेघालय के, और नेफ्यू रियो तो ये नागालैंड के चीफ मिनिस्टर बन गए, बस ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। फिर इन सब चीजों से रिलेटेड फिर अगेन आपके सामने करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम लेट स्टार्ट। यानी स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, तो फटाफट एनरोल हो जाइए जो लोग एनरोल नहीं हुए हैं। बाकी 1 लाख से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी करवाई जा रही है और इसकी फीस मात्र 577 है। हमारे जितने भी बैचेज हैं हम सभी की फीस 577 ही आपको मिलेगी। जनरल स्टडीज का नया बैच जो है वो लॉन्च होने वाला है अप्रैल में,
और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन 577 rupees पर मंथ सिर्फ इसकी फीस है। पॉलिटी का हमारा पूरा बैच जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें 94 पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो कवर्ड है, कौन से टॉपिक्स कवर्ड है, उन सब चीजों से रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ये नंबर जो है 9732831111 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अब तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी टॉपिक जो है वो शुरू हो रहा है और मजा आ जाएगा उस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक में भी। जैसे आपने मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स जो है पॉलिटी का कोर्स जो है वो ऑलरेडी लिया है, उसको आई थिंक पढ़ चुके हो आप लोग। निगम जी बताओ जरा, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीट कर लिया आपने? देखो 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा उस पॉलिटी के कोर्स को कंप्लीट करने में, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, आर्टिकल वाइज पूरी चीज उसके अंदर कवर्ड है। मैक्सिमम इन 10 days यू विल गोइंग टू कवर योर कंप्लीट पॉलिटी एंड यू विल बी सैटिस्फाइड। सो निगम जी कितना कंप्लीट कर लिया है आपने पॉलिटी का कोर्स अभी तक? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा? और फीडबैक जो है वो जरूर देना, बहुत मेहनत करके पूरी टीम को लगाकर पूरा कोर्स है वो रेडी हुआ है, और शेयर जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल NAAC। तो रिसेंटली कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने फटकार लगाई है, खिंचाई करी है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल की। क्यों करी है? क्योंकि उनके असेसमेंट प्रोसेस में, यानी कि जो ये असेसमेंट करते हैं यूनिवर्सिटीज का, उस प्रोसेस में गड़बड़ी जो है वो नजर आई है। तो ये तो एक न्यूज थी। बाकी आपको नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। 1994 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है ये। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलता है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसको सेटअप किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा और UGC एक्ट 1956 के तहत। और ये बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करती है, राइट? उनके स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करती है, इंस्टीट्यूशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे, उस पर मेनली फोकस करती है UGC। और NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, इसमें हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिलती है? अश्योरेंस, क्वालिटी अश्योरेंस प्रोवाइड कराती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, यानी कि ठप्पा लगाती है कि हाँ ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है इसको UGC की मान्यता मिलेगी। तो ये बेसिकली आकलन करती है, सर्टिफाई करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, उनको ग्रेडिंग देती है, A++ से लेकर C की ग्रेडिंग देती है। ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपनी काफी सारी प्रोसेस के थ्रू जो है वो मान्यता प्रोवाइड कराती है, राइट? यानी कि बोलती है कि हाँ ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है इसकी ग्रेडिंग अच्छी है और अभी इसने सही तरीके से अपना असेसमेंट नहीं किया, उस काफी सारे इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर आकलन नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, इसलिए इसकी फटकार जो है वो, इसको फटकार लगाई है कैग ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने। तो देखो इनकी जो एक्रीडिशन प्रोसेस जो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि ठप्पा लगाने की, मान्यता लगाने की किसी इंस्टीट्यूशन को, तो वो प्रोसेस हम लोग को जिस प्रकार से देखने को मिलती है कि सबसे पहले तो एक इंस्टीट्यूट जो होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये अप्रोच करता है NAAC को कि भाई हमें आपकी मान्यता दे दो। फिर हमें देखने को मिलता है कि वो उसको सबमिट करना पड़ता है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि उस इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, कितनी एक्सपीरियंस है, क्या रिसर्च वो करते हैं, और भी काफी सारे पैरामीटर जो NAAC बताती है उस पर ये इंस्टीट्यूशन पूरी रिपोर्ट देती है NAAC को। फिर NAAC के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य जो होते हैं, ऑफिशियल जो होते हैं, वो जाकर विजिट करते हैं। पहले तो उनकी रिपोर्ट देखते हैं एक्सपर्ट टीम, फिर एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन में जाकर विजिट करते हैं कि जो उनकी रिपोर्ट में इन्होंने भेजा है वो वाकई में सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद उस इंस्टीट्यूशन को जो है वो ग्रेडिंग दी जाती है, मान्यता दी जाती है। 2019 में, और चीज मैं आपको बताऊं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि एजुकेशन का एक ऐसा टॉपिक है जो आपके मेंस में आएगा ही आएगा, चाहे वो GS Paper 1 ले लो, Paper 2 ले लो, इन दोनों में से किसी एक में एजुकेशन से रिलेटेड चीज आपको मिलेंगी। सो 2019 के अंदर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने लॉन्च करी थी एक स्कीम जिसका नाम था परामर्श। और स्कीम के तहत जितनी भी बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि सबसे बेस्ट जो इंस्टीट्यूट जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, और ये इंस्टीट्यूट दूसरे जो इंस्टीट्यूट हम लोग को देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट 5 इंस्टीट्यूट्स, उनको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे कि इन दूसरे इंस्टीट्यूट भी जो है वो भी अपनी क्वालिटी को जो है वो इम्प्रूव कर सके और उनको भी जो है वो एक्रीडिशन जो है वो मिल सके, राइट? और NAAC जो है वो एक्सप्लोर करती है पॉसिबिलिटीज प्रोविजनल एक्रीडिशन फॉर कॉलेजेस PAC को इशू करने की, और जिसके तहत 1 year old, 1 साल पुराना इंस्टीट्यूट जो होता है वो अप्लाई कर सकता है मान्यता के लिए, और वो मान्यता 2 साल के लिए वैलिड होती है।
और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसने सेट किया है एक एम्बिशियस टारगेट कि सभी के सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्रीडिटेशन ग्रेडिंग जो है वो प्रोवाइड करानी है अगले 15 सालों में, यानी कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बेस्ट बनाना है अगले 15 सालों में। इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है, ये टारगेट सेट किया गया है। और इंडिया के हायर एजुकेशनल सिस्टम की बात करें तो दुनिया के तीसरे लार्जेस्ट हैं हम स्टूडेंट्स के मामले में, चाइना के बाद और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। और यहाँ पर हमारे पास 38 मिलियन स्टूडेंट्स 50,000 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हम लोग को, और जिसमें से 1,057 यूनिवर्सिटीज हैं इसमें शामिल है। इतना बड़ा स्टूडेंट बेस होने के बावजूद भी मात्र 15 ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया के टॉप 1000 में है। ऑल्दो 75% हायर एजुकेशन जो है वो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करती है और बेस्ट इंस्टीट्यूट IITs, IIMs, NITs, AIIMS, NLS ये हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, जिसको सरकार ने जो है वो सेटअप किया है। और इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट का चाइना के बाद पूरे दुनिया भर में। और गोल हमारा ये है कि हमें डबल करना है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट्स को या रेशियो को, जो 26.3% है उसे 50% तक जो है वो लेकर जाना है 2035 में। तो ये टारगेट पर थोड़ा सा ध्यान में रखो, और NAAC और UGC इनका एक लिंक आपको ध्यान में रखना है कि NAAC जो है वो बेसिकली ग्रेडिंग प्रोवाइड कराती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, और जिसका उपयोग करती है UGC उस पर्पस के लिए, इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के पर्पस के लिए। दैट्स इट, क्लियर? किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। चलो, जन औषधि दिवस की यहां पर जो है वो बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जन औषधि दिवस। तो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में तो आपने पढ़ा ही है, तो पहले इसके बारे में बता दूं फिर न्यूज के बारे में बताऊंगा। तो प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना लॉन्च हुई थी 2008 में, किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। 31 जनवरी 2023 तक नंबर ऑफ स्टोर जो है वो 9,082 हो गए हैं, और टारगेट सरकार ने जो है ये सेट किया है कि दिसंबर 2023 तक 10,000 स्टोर्स इन लोग को ओपन करना है। कौन से स्टोर्स? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। और इस केंद्र में जो है वो क्या मिलता है? अफोर्डेबल मेडिसिन, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन मिलती है, और आज की रेट में 1760 के आसपास दवाइयां और 280 के आसपास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इन केंद्र में अवेलेबल है। और भी नई मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। न्यूट्रास्यूटिकल्स ये क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल्स ये बेसिकली, न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है? सप्लीमेंट्स, पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, टर्म को आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है? ये सप्लीमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो होता है ना कि जिम वगैरह जाते हैं जो लोग तो प्रोटीन पाउडर वगैरह लेते हैं, तो वो भी इसके अंदर मिलेगी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में, वो भी बहुत सस्ते रेट में, राइट। और अब ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि 5 जनवरी को औषधि दिवस जो है वो मनाया गया। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने उद्घाटन किया नमो डे केयर सेंटर का भी, और 4 नमो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट जो है उनको ओपन किया। और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो है वो जन औषधि दिवस जो है वो 1 मार्च से लेकर, अच्छा 5 जनवरी वो 1 मार्च मतलब 5वां जन औषधि दिवस है, ये 5वां जन औषधि दिवस है सॉरी, और ये 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जो है उन्होंने और सेलिब्रेट किया है। और इस दिन अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है लोगों के बीच में कि भाई जेनरिक मेडिसिन लो, डॉक्टर्स के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स होते हैं ब्रांडेड मेडिसिन लिखते हैं, बिकॉज कई बार डॉक्टर्स के पास कमीशन भी आता है। मैं सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, बिकॉज इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैक्सिमम लोग, इवन जैसे कि आप में से भी कुछ लोग जो है वो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे, आपकी फैमिली मेंबर बिलोंग करते होंगे, तभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको शायद बुरा लग रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ब्यूरोक्रेसी में एंटर करोगे तो कॉमन मैन की नजर में अगर देखें तो कॉमन मैन ब्यूरोक्रेसी से डरते हैं, IPS IAS से डरते हैं उनके ऑफिस में जाने से, राइट। उनको लगता है कि यार ये तो करप्टेड ही है, तो वो एक माइंडसेट जो है वो बना लिया है, वो स्टीरियोटाइपिकल थिंकिंग जो है वो बन चुकी है। सेम विद डॉक्टर्स ऑल्सो राइट नाउ, कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो लूट मचाएगा, और ये हो भी रहा है, ये गलत नहीं है, ये हो भी रहा है, ये मैक्सिमम हर एक सेक्टर में ये चीज हो ही रही है। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर ही ले लो, माफिया बन चुका है, राइट, लूट मचा के जो है वो रखी है हर जगह, राइट। एजुकेशन के नाम पर आप फैसिलिटीज वगैरह भी दिखा देते हो, बट ATN कुछ नहीं है, लूट मचा के रखी हुई है। तो आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, आपको इन सब चीजों को रुकवाना है, बट ऑब्वियस ही बात है कि भाई सबके पास जो है वो अपना खुद का आप कह सकते हो राइट्स है, अधिकार है कि जो जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से अपनी सर्विस दे सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते हो, कैपिंग नहीं लगा सकते हो अननेसेसरली प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, राइट। इट इज अ चॉइस ऑफ पब्लिक कंज्यूमर्स एंड
जो बेच रहा है उसका चॉइस ही हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें आप इंटरवीन नहीं कर सकते हो मैक्सिमम केसेस में, राइट। बट उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन लोगों को प्रोवाइड करा सकते हो या लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो कि भाई जेनरिक मेडिसिन ले लो। जैसे आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं दिल्ली में था मेरे लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था दिल्ली में, क्लियरली बताऊं तो फाइनेंशियली सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था मुझे तो उस समय, और मेरे को प्रॉब्लम भी थी हेल्थ से रिलेटेड। मैं पीएल के हॉस्पिटल गया था एंड वहां पर डॉक्टर्स जो है वो एक हफ्ते की मेडिसिन जो है वो 3,000 रुपए की लिख देते थे, 2,800 समथिंग की। बड़ा मतलब अजीब लगता था यार, एक हफ्ते की मेडिसिन ज्यादा मेरी 2,800 रुपए की आ रही है और महीने भर में तो हालत खराब हो जाती थी। तो जब मैं 2-3 बार उनके पास गया और हर हफ्ते बुलाते थे वो, हर हफ्ते मेडिसिन चेंज होती थी, सब कुछ होता था, बहुत सारी चीजें। तो एक बार मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा सर जेनरिक मेडिसिन लिख दो ना, तो मुझे देख के स्माइल कर रहे थे। सो इट हैपेंस, डॉक्टर्स आल्सो नो, बट लिख दी थी उन्होंने फिर फाइनली, क्योंकि ही अंडरस्टूड, बिकॉज इफ यू से टू द डॉक्टर कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा तो देन दे अंडरस्टैंड, क्योंकि अल्टीमेटली आप फिर उसके पास आओगे नहीं ना। दूसरा फैक्टर भी देखो ना, प्रॉफिट फैक्टर, आप उसके पास जाओगे नहीं फिर नेक्स्ट टाइम, किसी और को ढूंढोगे, राइट। सेम थिंग हैपेंड विद मी ऑल्सो, कि एक बार जब पापा को हार्ट अटैक आया था तो उस समय इतना डरा दिया था डॉक्टरों ने कि अभी के अभी ऑपरेशन करना है, अभी के अभी तुरंत के तुरंत ऑपरेशन करना है, 5 लाख रुपए फीस लगेगी, ऐसा वैसा ये वो एक्स वाई जी। तो फिर उस समय जो है वो मेरे चाचा जो है वो आए थे, तो उन्होंने बोला था कि नहीं है, उन्होंने मतलब एक्चुअली मतलब मैंने पूरा इंतजाम जो है वो कर लिया था, टचवुड अपने पहचान वाले इतने सारे लोग हैं एंड पापा के तो फ्रेंड्स हैं ही, बट मैं उस चीज पे नहीं गया, बट अपने जो जानने वाले थे वो भी बहुत है। तो हुआ ये कि अरेंजमेंट वगैरह तो सब हो गया था, मैं चाचा ने जाकर बोला कि यार हमारे पास तो है नहीं, पैसे है ही नहीं। उन्होंने तुरंत बोल दिया फिर एक काम करो, 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर जरूर करवाई लेना, प्लान कर लेना। मतलब उनका फेस चेंज हो गया, पहले वो तुरंत बोल रहे थे कि बिल्कुल इट इज वेरी मच मैंडेटरी, देन फिर उन्होंने दवाइयां लिख के बोला कि 15 दिन तक मेंटेनेबल है। सोचो, सो सच काइंड ऑफ इश्यूज हैपन, एंड ये सब चीजें आपको चेंज करनी है ब्यूरोक्रेट बन के, ऑफिसर बन के। ये जो चल रहा है ना मार्केट में, जो लूटा मारी, और ये होता इसलिए है क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, दिस इज द इशू, एंड यू गाइज हैव टू चेंज सच काइंड ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। गवर्नमेंट ब्रिंग्स क्रिप्टो ट्रेडिंग अंडर इंडियाज मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पहले भी पता है, पहले भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। सरकार ने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन जो है वो क्रिप्टो करेंसी पे इम्पोज कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है वो अब क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी, सेफ कीपिंग में और उससे जुड़े हुए फाइनेंशियल सर्विस में अप्लाई होगा। मतलब कि जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉ है वो उसमें भी अप्लाई होगा। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग लॉ क्या कहता है, कौन समझाएगा मुझे? चलो स्पीकर ऑन करो और मुझे समझाओ, कम ऑन। मैं 500 बार एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आपको समझा चुका हूं, कोई एक स्टूडेंट इनिशिएटिव लें और फटाक से अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं। जल्दी बताओ, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? चुपचाप मत बैठा करो यार, आने वाले समय के ऑफिसर हो, ये एटीट्यूड लेके मत चलो। भले ही गलत बोल देना, मैं सही करवा दूंगा, बट बोलो तो सही। एप्लीकेशन पर इतनी अच्छी चीजें हैं आप लोगों के लिए बोलने की, बोलते नहीं हो। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, लोग मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो क्यों करते हैं? और देखो दैट इज, बोलना तो पड़ेगा यार आपको, अब आप नहीं बोलोगे तो इंटरव्यू कैसे दोगे यार? इंटरव्यू में कैसे बोलोगे कि जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, इतना डर रहे हो? अभी तो स्क्रीन के उस पार हो, फेस भी नहीं दिख रहा। जब आमने सामने जाओगे, वो भी ऑफिसर के सामने, एक्स ऑफिसर्स, करंट ऑफिसर्स, उनके सामने जब इंटरव्यू दोगे क्या होगा? मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसा कोई पैसा का ट्रांजैक्शन या वैल्यू का ट्रांजैक्शन जो कि ब्लैक मनी है, टैक्स छुपाया हुआ है, टैक्स चोरी किया हुआ है, व्हाट इज ब्लैक मनी? जिसमें टैक्स नहीं दिया, दैट इज ब्लैक मनी। या इलीगल सोर्सेस के थ्रू पैसा आ रहा है और इलीगल चीजों को फंड किया जा रहा है, इलीगल सोर्सेस के थ्रू पैसा आ रहा है और इलीगल सोर्सेस के लिए फंड किया जा रहा है। शिवानी जी ने टेररिस्ट फंडिंग बोला, यस, बट नॉट, मतलब एक ही चीज नहीं है टेररिस्ट फंडिंग, इट्स लाइक इलीगल मनी, ट्रांजेक्शन ऑफ सच मनी विच प्रमोट टेररिज्म। टेररिज्म पर क्यों आ रहे हो बार बार? आप मेरे ख्याल से टॉपिक इसको रिलेट कर रहे हो किससे?
कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसकी लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट, बैक ब्लैक लिस्ट, डार्क ग्रे लिस्ट, कौन सा है? ये वाला तो आंसर दे दो, मनी लॉन्ड्रिंग ठीक से नहीं दे पा रहे तो ये तो दे दो, FATF। तो FATF जो है क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है? यस FATF। तो उसमें है ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्लॉज और टेररिस्ट फंडिंग को रोकने का क्लॉज, यू नो अबाउट इट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यू नो वेरी वेल, दैट्स व्हाई वो रिलेट कर रहे हो। बट मनी लॉन्ड्रिंग इज समथिंग डिफरेंट। एग्जैक्टली, अब आयो लाइन पे, हवाला सिस्टम, इट्स लाइक अ हवाला सिस्टम, यू आर ट्रांसफरिंग द ब्लैक मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी कि इसको भी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अंदर लेके आओ। Because what is happening via cryptocurrency? People are funding to all the illegal business via cryptocurrency. लोग बाग illegal business को cryptocurrency के माध्यम से fund कर रहे हैं, या transaction illegal business में cryptocurrency के through हो रहा है। Hackers also, they are receiving the money in the form of cryptocurrency. So you guys are aware about it ना? पता है ना आप लोग को इस चीज के बारे में? तो जब आए मनी लॉन्ड्रिंग की बात, तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी शामिल करना, को भी, बट पहले यह चीज बता देना, इलीगल मनी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा कि किसने एग्जैक्टली क्रिप्टो में। बिल्कुल सही जवाब, यही चीज इशू हो रहा है। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट टुक दिस स्टेप, एंड आई टोल्ड यू ऑलरेडी, अगर तैयारी कर रहे हो तो मेक योर सेल्फ एन ऑफिसर फर्स्ट, अपने आप को पहले ऑफिसर बनाओ, उसके बाद फिर तैयारी होती है, तब जाकर वो ऑफिसर माइंडसेट चलता है। Now, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोटिफिकेशन ने क्या बोला? एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट एंड फिएट करेंसी। फिएट करेंसी क्या होती है, कौन बताएगा? व्हाट इज फिएट करेंसी? जो करेंसी चलती है, एक्सेप्ट की जाती है, दैट इज फिएट करेंसी, लीगल टेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं फिएट करेंसी। तो आपने रुपीज को एक्सचेंज कर दिया क्रिप्टो से, एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, मतलब आपका एक डिजिटल एसेट पेटीएम है, पेटीएम वॉलेट, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया क्रिप्टो में, उससे पेमेंट कर दी, क्रिप्टो में रिसीव कर ली, दैट इज द थिंग। ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट और इंस्ट्रूमेंट्स इनेबलिंग कंट्रोल ओवर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड पार्टिसिपेशन इन, यानी कि कोई भी आप कह सकते हो कि कंपनी या कोई भी टूल जो इस प्रकार के कन्वर्जन इन्वॉल्व है, प्रोविजंस फाइनेंशियल सर्विसेज के टू एन इश्यूअर्स ऑफर एंड सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, यानी कि जो कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करा रही है, ये सभी के सभी कवर किए जाएंगे अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है, आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट, मुझे आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं, किसी को कोई चीज नहीं पता तो पूछ लेना भले। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का क्या रोल होगा इसके बाद, यानी कि जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अब इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज जो है उसे सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट करनी पड़ेगी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को, FIU इंडिया को, जो देखती है सस्पिशियस एक्टिविटी कहां कहां पर हो रही है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को विजिलेंस का काम होता है इसका, मॉनिटरिंग करने का काम होता है इसका। महत्व यह होगा कि ग्लोबल लेवल पर जो क्रिप्टो करेंसी पर कानून बनाए जा रहे हैं वो इंडिया के अंदर भी बनाए जाएंगे। पॉलिसी में जो वैक्यूम अभी आज की डेट में आ गया है, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड कोई पॉलिसी नहीं है, राइट, तो वो फिल किया जा रहा है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, आई थिंक एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित ही हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। और पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लॉन्च हुई थी 2009 में सतोशी नाकामोटो के द्वारा। अब ये सतोशी नाकामोटो है भी कि कोई कि नहीं है वो भी नहीं पता, ये एक बेसिकली यूनानिमस पर्सनालिटी एक हम लोग को देखने को मिलती है, मतलब नहीं पता इसका एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं। क्या फीचर है क्रिप्टो करेंसी के, सस्ती है, राइट, ट्रांसफर करना इसको सस्ता होता है,
कोई भी इसमें अलग से कोई चार्जेस वगैरह जो है वो नहीं लगते, जो कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ट्रांसफर पर्टिकुलर मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, अब आप बोलोगे सर मेरे को तो कोई पैसा नहीं लगता, चार्जेस नहीं देने पड़ते, बैंक के बेटा चार्जेस होते हैं, एनुअल चार्जेस होते हैं, यू हैव टू पे दैट, यहाँ पर वो कुछ नहीं है सिस्टम, राइट। कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, डायरेक्टली डिजिटली पैसों का जो है वो लेन देन हो रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कि जैसे कि हमारा जो मेन बैंकिंग सिस्टम है वो सेंट्रल बैंक जो है वो डील करती है, राइट, सेंट्रल बैंक उसके ऊपर रेगुलेट करती है, यहां पर कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके आधार पर ये हम लोग को देखने को मिलती है कि काम करती है। अब चैलेंजेस इसके हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, तो मॉनिटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम ये रद्द हो रहा है, इस चीज के कारण खराब हो रहा है, राइट। अब आप क्रिप्टो करेंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखो हमारी कंट्री के अंदर कितना पैसा है, कितना रखना है पब्लिक के हाथ में, कितना बैंक में रखना है, वो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी डिसाइड करती है, याद है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए। अगर लग रहा है उनको कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है, तो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी क्या करेगी, महंगाई बढ़ती है तो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जो है वो पैसा पब्लिक से ले लेगी या पब्लिक को पैसा देगी, बताओ। मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी जब जब देखती है कि इन्फ्लेशन, मुद्रा फीसदी, महंगाई जो है वो बढ़ रही है, तो पब्लिक को पैसा पब्लिक से ले लेगी या पब्लिक को देगी, बताइए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पब्लिक से पैसा ले लिया जाएगा, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब शिवानी जी, बहुत बढ़िया, पब्लिक से, वेरी गुड महक जी, ले लेगी, पब्लिक से लेगी, क्यों, पैसा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है, दैट्स व्हाई पीपल आर परचेजिंग थिंग्स एंड देन व्हाई, दैट्स व्हाई, सिंपल सा रूल है ना, डिमांड सप्लाई का, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम हो गई, प्रोडक्शन कम है, प्राइस राइज हो जाएगा, राइट, दिस इज द इशू, एंड दिस इज नॉट ओनली अ सिंगल इशू, और भी इशूज होते हैं, सिक्योरिटी रिस्क, साइबर अटैक वगैरह का, राइट, क्राइम, पूरे इलीगल एक्टिविटीज इसी के थ्रू हो रही है, दिस इज द इशू। लिक्विडिटी की कमी हम लोग को देखने को मिलती है, लोअर एक्सेप्टेबिलिटी, हर कोई एक्सेप्ट थोड़ा करेगा, अब आप मुझे बोलोगे कि सर मुझसे क्रिप्टो करेंसी ले लो, अपना कोर्स जो है वो दे दो, हम बोलेंगे नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, सॉरी। फिर प्राइस वॉलेटिलिटी, फ्लक्चुएट होता है ना, काफी सारे लोग हैं क्रिप्टो करेंसी पे पैसा लगा के कमा गए, काफी सारे लोगों का लॉस हो गया, इंडियन रुपीस को ये खतरा हम लोग को देखने को मिलता है। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे करोगे, आपके अकाउंट से क्रिप्टो एसेट जो है वो घूम गए, खत्म हो गए, या उसकी एक की आती है वो आपसे खो गई, तो उसमें फॉरगेट पासवर्ड का सिस्टम तो है ही नहीं, कैसे मिलेगी आपको, खत्म, एक बार की चली गई तो बात खत्म। इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंडर्ड क्रिप्टो करेंसी पर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरली बोल दिया था जितने भी क्रिप्टोज हैं उसको बैन कर दो, बट क्या इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी चलती है, हाँ या ना, इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी चलती है, यस और नो, क्या इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी अलाउड है, यस अलाउड है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो उपयोग में ली जा सकती है, और इसलिए, और देखो हमारे पास कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए, बट चलो ठीक है, अभी एक तो लाया गया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के दायरे में एक चीज तो रखी गई, रेगुलेट करने के पर्पस से ही चलो। वैसे हमारे पास कोई ऐसा कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है क्रिप्टोस को रेगुलेट करने के लिए, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया 30% का टैक्स, यानी कि आप क्रिप्टो एसेट से जो भी पैसा कमाओगे 30% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, प्लस 1% TDS। तो ये कुछ चीजें थी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है वो मैंने आपको समझाई दिया, 2003 में ये कानून लाया गया था और लागू हो गया 2005 से। तीन मेजर इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करो, कंट्रोल करो, और जो भी पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू लोग जनरेट करते हैं और जो भी वो प्रॉपर्टी बनाते हैं उसको सीज कर लो, कब्जे में कर लो, और कोई भी ऐसा इशू जो इंडिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है तो उससे ये डील करना है इस कानून के तहत, और ये कानून के तहत पनिशमेंट भी जो है वो दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग इसमें डिफाइन जो है वो की गई है, बट मनी लॉन्ड्रिंग आपको बताएगी होती क्या, डेफिनेशन के थ्रू भी एक बार समझ लो, कोई भी अपराध, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज हूसोएवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट्स टू इंडल्ज और नोइंगली असिस्ट और नोइंगली इज अ पार्टी और इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन एनी प्रोसेस और एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेन्ड
अनटेंटेड प्रॉपर्टी शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। समझ में आया नहीं आया? जो मैंने आपको बताया था वो ध्यान में रखना, इट इज इलीगल मनी, राइट, ब्लैक मनी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और इवन बोलते ना कि कोई इंसान मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, इन द सेंस कि वो पैसों का रोटेट करके जो है वो बस दिखा रहा है कि ऑफिशियली कि उसके पास जो है वो पैसा है, बट एक्चुअल में वो पैसा जो है वो ब्लैक मनी है। जैसे समटाइम्स इट हैपेंस जस्ट लाइक अ शेल कंपनी, एक शेल कंपनी नकली कंपनी होती है सिर्फ ऑन पेपर, उससे उसको सिर्फ वो रखते हैं पैसों को दिखाने के लिए, प्रॉफिट दिखाने के लिए, एंड अपना ब्लैक मनी जो है वो हवाला सिस्टम के थ्रू जो है वो दूसरी कंट्री में भेजते हैं जहां पर वो शेल कंपनी है, और वहां से लीगल चैनल के थ्रू जो है वो पैसा अपने पास बुलवा लेते हैं। यानी कि वो पैसा दिखाते हैं कि हमारे पास लीगल मनी है, बट वो एक्चुअली इलीगल मनी होता है, ब्लैक मनी, वो ये रोटेट करवा देते हैं। एनीवेज, तो इससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आपको पता भी होना चाहिए, प्लस आपके एग्जामिनेशन के लिए भी और आपकी सर्विस के लिए भी बहुत काम किया गया, राइट। मॉडर्न एंड स्मार्ट स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, क्या है ये पावर ट्रांसमिशन सिस्टम? हमारे घर पे बिजली आ रही है ना, किसके थ्रू आ रही है? ट्रांसमीटर बोलते हैं ना, लाइट चली आती है तो कुछ लोग बोलते हैं अरे वो ट्रांसमीटर खराब हो गया यार, बोलते ना, ये वही है ट्रांसमिशन सिस्टम, उसको मॉडर्न और स्मार्ट बनाना है। क्यों मॉडर्न और स्मार्ट बनाना है? बिजली चोरी को रोकने के लिए मॉडर्न और स्मार्ट बनाना है। किसको रोकने के लिए? बिजली चोरी को रोकने के लिए, राइट। हाँ हाँ, बोलते ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर उड़ गया है, ट्रांसफार्मर बोलते ऐसे ही, ट्रांसफार्मर उड़ गया है हमारे घर के पास। एनीवेज, सो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है एक टास्क फोर्स की रिपोर्ट। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया की ट्रांसमिशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करेगी। पावर मिनिस्ट्री सेटअप कर रही है एक टास्क फोर्स CMD पावर ग्रिड की चेयरमैनशिप में। अब ये सजेस्ट करेंगे कि कैसे हम हमारी कंट्री के ट्रांसमिशन सेक्टर को मॉडर्नाइज करें और उसको स्मार्ट और फ्यूचर रेडी बनाएं। टास्क फोर्स की रिपोर्ट ने रिकमेंड किए हैं कुछ सॉल्यूशंस कि जिससे सरकार का जो विजन है 24/7 रिलायबल और अफोर्डेबल बिजली लोगों तक पहुंचाने का, वो अचीव किया जा सकता है कि 24 घंटे लोगों तक बिजली पहुंचे। क्योंकि आज भी ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि खंभे लग गए हैं, तारे बिछ गई हैं, बट लोगों तक बिजली अभी भी नहीं पहुंच रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते ना कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हमने अचीव कर लिया 100%, अचीव कर लिया, दैट इज ट्रू, क्योंकि खंबे लग गए हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू कि बिजली लोगों के घर तक आज भी पहुंच पा रही है। आज भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बिजली की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो अब ये टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया है कि भाई क्या क्या करो। सबसे पहली चीज तो ऑपरेशन ऑफ ग्रिड यूजिंग सेंट्रलाइज रिमोट मॉनिटरिंग, मॉनिटर करो जो ग्रिड्स, जितने भी ग्रिड्स लगे हुए हैं अलग अलग जगह पर, ये खंबा सिस्टम जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको आप एक चैनल के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर दो, सेंट्रलाइज रिमोट मॉनिटरिंग। सब स्टेशन जितने भी उनका ऑपरेशन है उनको भी जो है वो आप मॉनिटर करो, मॉडर्न सिस्टम वहां पर लगा दो, स्कैडा फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन डिवाइस लगा दो, वाइड एरिया मेजरमेंट में PMUs का उपयोग, PMUs यानी कि फेजर मेजरमेंट यूनिट होता है, एक डिवाइस होता है जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को एस्टिमेशन के पर्पस के लिए हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, मैग्नीट्यूड क्या है, राइट, इलेक्ट्रिकल फेजर क्वांटिटी का, राइट, तो वो सब चीजें देखा जाता है। वो सब इतना डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं, इलेक्ट्रिशियन नहीं बनना है आपको, आपको सिर्फ ये बस इसमें ध्यान में रखना है कि सरकार आज की डेट में वेरियस टेक्नोलॉजीज की मदद से जो है वो फोकस कर रही है सबसे पहले तो कि बिजली का लॉस कहाँ पे हो रहा है उसको रोकने के लिए, क्योंकि बिजली का लॉस जो है वो सबसे बड़ा लॉस है। और ये पॉसिबल कब हो पाएगा? जब हम कुछ स्मार्ट डिवाइसेस लगाएंगे। तो ये सब नाम जैसे आपको बता होना चाहिए कि सेंट्रलाइज्ड रिमोट मॉनिटरिंग से लिंक कर दो, राइट, स्कैडा फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन डिवाइस, तो ये बस डिवाइस के अगर नाम याद रख सको तो ठीक है, वरना उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये तो आपको याद रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, तो बोल रहे हैं कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करो, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की मदद से आप फाइंड आउट करो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का लॉस आगे चल के कहाँ हो सकता है इस पर्टिकुलर यूनिट में, वो फायदेमंद होगा। बस ये चीज है वो आपको मेनली पता होनी चाहिए, राइट, बाकी इसमें और कुछ नहीं, आपको कोई वो नहीं बनना है, राइट,
सर बट अब तो सोलार पैनल का यूज कर रही है ना गवर्नमेंट। हाँ सोलार पैनल का, वही सोलार पैनल का भी यूज कर रही है, वही नेक्स्ट चीज तो वही बता रहे हैं ना। यहाँ पर आगे यही लिखा है कि इंडिया फोकस कर रही है रिन्यूएबल पावर के ऊपर और ट्रांसमिशन। आप देखो अब आपने जो बात करी वो बात बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम कुछ और है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब जब सोलार पैनल का हम यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर पे सोलार पैनल लगा हुआ है या सरकार जो है वो सोलार एनर्जी जो है वो जनरेट कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर जो है वो तैयार कर रही है सोलार एनर्जी के माध्यम से, तो वो घर तक आपको पहुंचाएगी ग्रिड के माध्यम से ही ना। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द ग्रिड्स, द इशू इज ऑफ ग्रिड। तो इंडिया का जो फोकस है रिन्यूएबल पावर के ऊपर है और ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो उसको केपेबल बनाना है कि वो प्रॉपर उस कैपेसिटी में एनर्जी को या पावर को ट्रांसमिट कर सके। अगर जितनी भी ये ट्रांसमिशन लाइंस हैं इनको अगर आप कनेक्ट कर दोगे डिजिटली या मॉनिटर करवाओगे डिजिटली, तब आपको पता लगेगा कि कहां पर लॉसेस हो रहे हैं। दिस इज द इशू। तो प्रॉब्लम इज एट डिलीवरी, नॉट एट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो ठीक है भाई, प्रोडक्शन हाउस हम लोग को पावर हाउस देखने को मिल रहा है, राइट? थर्मल पावर स्टेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर बिजली बन रही है, ठीक है, वो पावर हाउस है, उसकी बात नहीं हो रही। वहां से जो लोगों तक पहुंचाना है और बीच में जो लॉसेस हो रहा है उसको रोकना है, दैट इज द स्मार्ट एंड फ्यूचर रेडी या फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना, समझे बात? तो रिन्यूएबल एनर्जी हम करेंगे बट पहुंचाना भी तो है एक चैनल के थ्रू, तो फाइंड आउट ये करना है कि वो चैनल लीक ना, बस दैट्स इट। एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, क्योंकि साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। इस सिस्टम को ही किसी ने हैक कर दिया तो बिजली गुल खत्म, लोग बाग परेशान, बैंकिंग सिस्टम लो, सब कुछ लो, क्योंकि बिजली के ऊपर ही सब चीज चलती है। फीचर्स जैसे कि सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम, कि ऑटोमेटिकली सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ी है तो वो करेक्ट हो जाए। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, इनकी आवश्यकता है 24/7 अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। बट चैलेंजेस ये हैं, ये है चैलेंज। अब इस चीज को आपको याद रखना है, ये टेक्निकल चीज को याद रखना है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल ATNC क्या है? जो लॉसेस होते हैं बिजली की चोरी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लीकेजेस, वेस्टेज, ये सब चीज है, तो ये बहुत ज्यादा है जिसके कारण बहुत शॉर्टेज हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब सरकार जो है उसकी अगर हम बात करें तो सब्सिडी जो है वो बहुत ज्यादा सरकार जो है वो बिजली पर प्रोवाइड कराती है, लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो गैप है उसको फुलफिल करना जरूरी है, क्योंकि जितना रेवेन्यू नहीं अचीव हो रहा है उससे ज्यादा सरकार की सब्सिडी जो है वो लग जा रही है, तो उसको बिल्कुल जीरो पर लेकर आना है। जितनी भी हमारी डिस्कॉम कंपनीज है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो कंपनीज है, जो आज की डेट में लॉस पर हम लोग को जो है वो मेनली देखने को मिलती है, या गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की सब्सिडी के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो ऐसी जो कंपनीज हैं, सबसे पहली चीज तो इनमें रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता, अगर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर या पावर सेक्टर को में सुधार लेके आना है, रिफॉर्म करना है, तो बस ये चीज है जिसके बारे में एक आपको अच्छा आइडिया, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी या पावर से रिलेटेड हमारी पास कौन सी स्कीम्स है, तो कुसुम स्कीम, इस स्कीम के थ्रू हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में सोलार पंप्स को प्रमोट करते हैं। फिर एक हम लोग को सौभाग्य स्कीम देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हर एक घर जहां पर बिजली नहीं पहुंच रही है वहां तक बिजली पहुंचाना, राइट? अब खंबे लगवाने से रिलेटेड था ये वाली स्कीम, तो राइट से खंबे तो लग गए बट बिजली आज तक नहीं पहुंची है, अभी तक नहीं आई है बहुत सारी जगहों पर। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम है, गांव क्षेत्रों में जो है वो बिजली प्रोवाइड कराना, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये चीज है। तो इंडिया को स्मार्ट मीटर का उपयोग करना जरूरी है आज की डेट में, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस वो जो AI और ML के थ्रू होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू होगा, 24/7 इलेक्ट्रिक सप्लाई हर जगह पहुंचाने के लिए। क्लियर, सॉर्टेड, कोई डाउट तो नहीं बचा? आगे बढ़ रहे हैं। पहली इंडियन एयरफोर्स की महिला ऑफिसर फ्रंटलाइन यूनिट को कमांड करेगी, शालीजा धामी इनका नाम है, पहली महिला ऑफिसर बन गई है इंडियन एयरफोर्स की, जो कि फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट को कमांड करने वाली है, और ये
मिसाइल स्क्वाड्रन को कमांड करेंगी वेस्टर्न सेक्टर में। मिसाइल स्क्वाड्रन की हम लोग अगर बात करें तो जितने भी एयर बॉर्न थ्रेट्स होते हैं यानी कि हवाई हमले जितने भी होते हैं उनसे लड़ने की शक्ति होती है इस मिसाइल स्क्वाड्रन के पास। इसमें फाइटर जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, यूएवीज होते हैं और ये लो टू हाई एल्टीट्यूड्स में उड़ते हैं। मतलब सिंपल सी चीज, मिसाइल स्क्वाड्रन मतलब मिसाइल को काउंटर करने के लिए जितने भी हमारे हवाई खतरे हैं हमारी कंट्री को, तो उससे निपटने के लिए मिसाइल स्क्वाड्रन है और इस मिसाइल स्क्वाड्रन को कमांड करेंगी शालिजा धामी। अब वुमेन्स, आज की डेट में वुमेन का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है, कॉम्बैट रोल भी वुमेन का बढ़ता जा रहा है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, एंड दैट इज द बिग अचीवमेंट। जीएस पेपर वन वुमेन से रिलेटेड जो टॉपिक आएगा उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे आप लोग। तो वुमेन जो है दे आर लार्ज, और इवन सिक्योरिटी जीएस पेपर थ्री में भी करेंगे आप, तो वन और थ्री से एसोसिएटेड हो गया ये वाला टॉपिक। तो वुमेन जो है वो लार्जली एडमिनिस्ट्रेटिव, वुमेन आर लार्जली एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स, नहीं ये कुछ गड़बड़ लिखी है, अनलाइक द रेगुलर आर्म्स एंड सर्विस वेयर कर्नल्स कमांड ऑफिसर्स एंड मेन एंड लीड देम फ्रॉम द फ्रंट। नहीं नहीं ये इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया वो, अब मैं आपको समझाता हूँ इसका, इन्होंने सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। फोर्स के अंदर महिलाओं को सिर्फ प्रशासन तक ही मेनली सीमित रखा था अभी तक, बट अब उनको कमांडिंग ऑफिसर का रोल भी दिया जा रहा है। और कमांडिंग ऑफिसर एक ऐसा पद है, कोवेटेड पोजीशन, प्रतिष्ठित पद हम लोग को देखने को मिलता है आर्मी के अंदर, और महिलाओं के लिए जो है उसको ओपन करना और भी बहुत बड़ी बात हो जा रही है, राइट, और बहुत अच्छी बात है ये। लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो तब आया जब कैप्टन शिवा चौहान, आर्मी ने एक वुमेन ऑफिसर कैप्टन शिवा चौहान को जो है वो सियाचिन ग्लेशियर पर डिप्लॉय किया पहली बार, जब इंडियन आर्मी ने सेलेक्ट करी थी 108 महिला ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल की पोजीशन में प्रमोट करने के लिए, तो उस समय सियाचिन ग्लेशियर पर अपॉइंट किया गया। उसके बाद फिर अब देखने को मिल रहा है कि एयरफोर्स के अंदर मिसाइल स्क्वाड्रन में एक महिला हम लोग को नजर आ रही है, राइट, और ऐसे फ्रंटियर जो है वो ओपन किए जा रहे हैं महिलाओं के लिए मिलिट्री के अंदर पिछले 7 से 8 सालों में। जेंडर बैरियर जो है वो 3 सर्विसेज के अंदर जो है वो खत्म कर दिया जा रहा है, एक प्रकार से नॉकडाउन किया जा रहा है जेंडर बैरियर को। वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट महिलाओं के लिए मिलिट्री में आया था 2015 में, जब इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया पहली बार कि फाइटर स्ट्रीम में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। वुमेन जो है वो ना ही सिर्फ आज की डेट में फाइटर जेट चला रही है बल्कि ट्रांसपोर्ट, लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट प्लेन C-17, C-130Js, तो ये सब भी ऑपरेट कर रही है और वो परमानेंट कमीशन के लिए भी एलिजिबल हो गई है। सून एक्सपेक्टेशन ये है कि महिला सबमरीन में भी जो है वो सर्व करेंगी सबमरीन के अंदर, हालांकि टैंक्स और कॉम्बैट पोजीशन जो है इन्फेंट्री की वो अभी भी महिलाओं के लिए नहीं दी जा रही, यानी कि फील्ड में जैसे होता है ना फाइट, जब वॉर होता है तो फील्ड में जब जाया जाता है टैंक्स वगैरह के अंदर, तो वो चीज जो है वो महिलाओं के लिए अभी ओपन नहीं करी है, बट कर देनी चाहिए बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग। बट ठीक है, स्टीरियोटाइपिकल माइंडसेट भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है लोगों के बीच में। आप मेंस के आंसर को जो है वो लिखेंगे तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस, राइट, बिकॉज द पॉइंट इज आपकी सोच पॉजिटिव है बट अगर इस चीज, इस मुद्दे को लेकर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसकी सोच अगर ठीक नहीं है, ठीक इन द सेंस उनको ये लगे, जैसे एग्जांपल कुछ लोग को ये लग सकता है कि नहीं यार हमारे देश की महिलाओं को वॉर फील्ड में नहीं भेजना चाहिए बिकॉज अगर वो बंदी बन गई तो उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। जैसे कि जब मैं ऑफलाइन क्लास जब ले रहा था तो एक स्टूडेंट, मतलब पिछले बैच की बात कर रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट है तो उनने ये चीज़ जो है वो रखी थी कि सर हम कैसे हमारी महिलाओं को जो है वो बैटल फील्ड पर भेज दें, अगर उनको कैप्चर कर लिया एनिमी ने तो सोचिए क्या क्या नहीं हो सकता। तो मेरा कहना ये था कि उनको ट्रेन किया जाता है ना भाई, एक अब आप अगर कोई महिला है जस्ट लाइक जैसे कि अपनी कोई काफ़ी सारी स्टूडेंट है उन्हें IPS बनना है, एंड IPS बनने के बाद उनको एकदम से एक्साइटमेंट हुआ कि नहीं यार मुझे तो रॉ में घुसना है, इंटेलिजेंस सर्विस के अंदर घुसना है, उनको एकदम से जो है वो किक कर गया कि नहीं मुझे तो इंटेलिजेंस सर्विस में जाना है, मुझे दूसरी कंट्री में हिडन रहकर ऑपरेट करना है, तो आप उनकी चॉइस को थोड़ा ना मार सकते हो यार। इफ अ वुमेन वॉन्ट्स अ कॉम्बैट रोल, एक वॉरियर का रोल चाहिए उनको बिल्कुल फील्ड में कि आई विल गोइंग टू अटैक, चीर फाड़ दूंगी, तो क्यों नहीं दिया यार, देना चाहिए, इट्स ऑल अबाउट द चॉइस।
बिकॉज चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, द मेन थिंग इज अगर मेन को ज्वाइन करने के समय पर बता दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हैं इंटेलिजेंस में, कि कुछ लोग इंटेलिजेंस में होते हैं उनको पहले बोल दिया जाता है कि अगर आप पकड़ा गए तो यू आर नॉट अवर मेंबर, कोई जब हिडन मिशंस वगैरह कुछ होते हैं तो सीक्रेट मिशंस कि चुपचाप कंडक्ट किए जाते हैं तो आप हमारे नहीं है, वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है चलेगा। सेम विद वुमेन ऑल्सो ना, उनको भी तो बताया जाएगा पहले से कि भाई ये इश्यूज हो सकते हैं भाई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एंड यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप बन गए, महिला की बात करो वुमेन की स्पेशली अभी, अब वहां पे किसी माफिया से आपकी हो गई, आपने उसको उसके माफिया ने आपके साथ कुछ डील करने की कोशिश करी, आपने नहीं करी, भगा दिया उसको उठा के, चल निकल यहां से, बट आईना बता जाना, वो भी तो खुंडक निकाल सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी महिला को जो है वो ले गए एनिमीज पकड़कर फॉरेन कंट्रीज में, क्या होगा उनके साथ? अरे तुम्हारे देश में हो रहा है, तुम्हारे देश में देश के जंगली लोग, जंगली लोगों की घटिया नजर, आज ही हमारी टीम मेंबर है साक्षी, एक का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कॉल करने के लिए कि आप कोर्स से रिलेटेड कॉल करिए, उन्होंने कॉल किया, अब वो लगा उनसे बोलने कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मैं आपसे आकर मिलना चाहता हूं, वो बेचारी परेशान हो गई, व्हाई यू आर इरिटेटिंग वुमेन यार, आई डोंट नो व्हाई, इज दिस द बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेंटलमैन? नो यार, दीज गाइज आर फुलिश। आप बोल रहे हो कि महिला जो है वो वॉर फील्ड में, उनको तकलीफ होगी, हम नहीं देख सकते अपनी महिलाओं को वॉर फील्ड में, आज भी घरों के अंदर महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती, मारा जाता है उनको, राइट एट दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, जिस समय पर हम बड़ा सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि वी आर फेमिनिस्ट और ये एक्स वाई जी, वी आर बीटिंग वुमेन्स, क्या है भाई ये सर, ये सोच अलग करनी है। नेक्स्ट, देन कमांड्स के बारे में बात करें, इंडियन एयरफोर्स, तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर हम लोग को न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, इसके 7 कमांड हम लोग को नजर आते हैं, और कमांड जो है उनको 5 ऑपरेशनल और 2 फंक्शनल कमांड में डिवाइड किया, तो ऐसे करके टोटल 7 कमांड है। हर एक कमांड में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जिनकी एयर मार्शल की रैंक होती है, वो हेड रहते हैं हर एक कमांड के अंदर। ऑपरेशनल कमांड का पर्पस ये होता है कि मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करना एयरक्राफ्ट्स का उपयोग करते हुए अपनी मतलब ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, यानी कि जो उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, जो उनका एरिया है, एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी जहां पर उनको ऑपरेट करना है, तो उस क्षेत्र पर वो मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। और रिस्पांसिबिलिटी जो फंक्शनल कमांड की हम लोग को देखने को मिलती है, जैसे ऑपरेशनल कमांड मतलब मिलिट्री के लिए, फंक्शनल कमांड जो है कॉम्बैट रेडीनेस को मेंटेन करने के लिए कि हमारे पास पूरी चीज अवेलेबल हो ग्राउंड पे। फिर विंग होता है, एक विंग जो होता है वो कमांड और स्क्वाड्रन के बीच का एक मतलब बीच का एक पार्ट होता है, आप कह सकते हो यूनिट होती है। इसके अंदर 2 से 3 इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन हेलीकॉप्टर यूनिट होती है, और ये फॉरवर्ड बेस सपोर्ट का यूनिट का काम करते हैं। और फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट जो है ये कोई भी स्क्वाड्रन इनके पास परमानेंट नहीं रहता, बट हाँ जब वॉर होता है तो यहां पर जितने भी दूसरे स्क्वाड्रन है वो अपना बेस बना सकता है, इंडियन स्क्वाड्रन। स्क्वाड्रन और यूनिट में क्या डिफरेंस हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, तो स्क्वाड्रन जो है वो फील्ड यूनिट्स, दे आर द फील्ड यूनिट्स, एक एक पर्टिकुलर जगह पर स्टैटिक लोकेशन पर रहते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्रन या फिर यूनिट जो होती है वो एक सब यूनिट होती है एयरफोर्स स्टेशन की, जो बेसिकली प्राइमरी टास्क इंडियन एयरफोर्स का जो है वो कंडक्ट करती है। स्क्वाड्रन मतलब एक जगह पर तैनात होगा, और एक यूनिट जो है एक टुकड़ी जिसको आप बोलते हो, टुकड़ी जो होती है उसको अलग अलग टास्क जो है वो सौंपे जाते हैं, और स्क्वाड्रन एक ही जगह पर मिलेगा आपको। तो फाइटर स्क्वाड्रन के अंदर 18 एयरक्राफ्ट होते हैं, और सभी के सभी फाइटर स्क्वाड्रन को हेड करते हैं कमांडिंग ऑफिसर, जिनकी रैंक जो है वो कमांडर, विंग कमांडर की हम लोग को देखने को मिलती है। ये कुछ फैक्ट है डिफेंस वगैरह से रिलेटेड, इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में द पॉइंट इज कि इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा जो है वो कंसर्न चल रहा है डिफेंस को लेकर, क्योंकि स्थिति जो है वो अभी भी
इंटरनेशनल अफेयर्स में जो है वो गड़बड़ चल रही है, तो दैट्स व्हाई आपको इन सब चीजों की भी एक अच्छी पकड़, एक अच्छी जानकारी एक जनरल लेवल पर होना जरूरी है। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो स्ट्रेस दिया है कि हमें नदन और वेस्टर्न बॉर्डर और कोस्ट लाइन पर हमारी विजिलेंस रखना है, निगरानी रखनी है। नेवल कमांडर की कॉन्फ्रेंस हुई थी आईएनएस विक्रांत के अंदर, हमने डिस्कस किया था, उस समय हमारे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने जोर दिया कि हमें स्ट्रेटजी दोबारा से बनाने की आवश्यकता है, वर्ल्ड ऑर्डर जिस प्रकार से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है उस चीज के लिए फोकस किया गया कि आने वाले समय में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो हमें कंटिन्यूअस निगरानी रखनी है अपने नदन वेस्टर्न बॉर्डर्स और पूरी की पूरी कोस्ट लाइन पर। आने वाले समय में बताया जा रहा है 5 से 10 सालों के अंदर डिफेंस सेक्टर जो है वो लगभग $100 बिलियन के ऑर्डर प्लेस करेगा। और बॉर्डर पर निगरानी रखने का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा, सेकंड इलीगल एक्टिविटीज प्रिवेंट होना, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग ये सब चीजें होती है ना, इंडिया की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना कि कोई और दूसरा हम पर कब्जा ना कर ले। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेफ्टी, क्योंकि अगर आपकी बॉर्डर सेफ है तो दैट मींस कि आपके यहां पर सामान इजिली आ सकेगा, जा सकेगा, किसी को कोई खतरा नहीं है कंपनीज वालों को, तो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल डिजास्टर जैसे कि साइक्लोन्स हुए, सुनामी हुए, तो ये डैमेज करती है कोस्टल एरियाज को, और उस समय हमारे फोर्स जो है वो मदद करती है डिजास्टर मैनेजमेंट। चैलेंजेस क्या है, एक तो ज्योग्राफिकल बैरियर, हमारा नदन वेस्टर्न बॉर्डर्स को अगर हम लोग देखें तो वहां पर टेरेन बहुत खतरनाक है, माउंटेन है, डेजर्ट है, जंगल है, अब वहां पर लोग बाग जो है वो इलीगल तरीके से एंट्री लेते हैं, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हम लोग को लगातार देखने को मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बहुत बुरा वेदर है, क्लाइमेट कंडीशन बहुत बुरी है, मल्टीपल एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स, लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी झड़प हो जाती है कभी कभी, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट की कमी। और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं हमारी इंडियन बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, तो हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी जोर लगाया जा रहा है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं जैसे कि ड्रोन्स वगैरह, हम अपनी बॉर्डर फोर्सेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, जैसे BSF, ITBP, उनको बेटर इक्विपमेंट और ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्मार्ट फेंसिंग पर काम किया जा रहा है, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है, कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लगाए गए हैं जो कि हाईटेक सर्विलांस सिस्टम है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम हो रहा है जिसके थ्रू हम लोग बॉर्डर एरियाज को डेवलप कर रहे हैं, वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं जैसे रोड्स, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है। स्पर्श स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन बॉर्डर एरियाज, ऑब्जेक्टिव ये है कि एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग महिलाओं को प्रोवाइड किया जा रहा है बॉर्डर एरियाज पर और उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। एक कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम भी हमारी हमें देखने को मिलती है कोस्टल एरियाज को सिक्योर करने के पर्पस के लिए। सो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, किसी कोई डाउट तो पूछ लो। क्लियर, आगे बढ़े। कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट ऑफ MT-1 सैटेलाइट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सक्सेसफुली कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट फॉर मेगा ट्रॉपिक्यूज 1 MT-1 सैटेलाइट के लिए किया। मतलब कुछ नहीं है, री एंट्री ऑफ सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट ऊपर गई और वापस उसको एटमॉस्फेयर पे, यानी कि हमारी धरती पर वापस ला दिया गया, बस दैट्स इट। क्योंकि आपको पता है कि स्पेस में बहुत ज्यादा मलबा है, बहुत कचरा हो गया है स्पेस के अंदर, और ये मलबा बहुत डेंजरस भी है, ये भी आपको पता है, क्योंकि ये लाइव सैटेलाइट से अगर टकरा गया या फिर किसी ह्यूमन मिशन से ये टकरा गया तो बहुत लॉस क्रिएट कर सकता है। इंटरनेशनल एरोस्पेस कम्युनिटी ने अडॉप्ट करी है गाइडलाइंस, असेसमेंट प्रोसीजर्स बताए हैं कि कैसे हम लोग जो नॉन ऑपरेशनल स्पेसक्राफ्ट्स हैं उनके नंबर रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि स्पेस पे ऐसी कुछ चीजें हैं जिसका कोई काम नहीं है और वो सिर्फ घूम रही हैं और वो खतरा बन रही हैं, और हमने तो डिस्कस भी किया था कि स्पेस में इतनी तेजी से ये ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, हम गोली चलाते हैं ना, गोली जो चलती है उससे 5 times ज्यादा, 5 गुना या 6 गुना ज्यादा स्पीड से ये तेजी से घूम रहा है। अब आप सोचो इतनी तेज स्पीड में अगर ये दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट की तो परखच्चे उड़ जाएंगे, तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो अभी उसी चीज पर हमने काम किया कि हम वापस इस स्पेसक्राफ्ट को जो है वो रॉकेट को जो है वो सैटेलाइट को जो है वापस लेकर आ रहे हैं, एक बार छोड़ा फिर वापस लेकर आ गए। सो मेथड जो है वो कैसे किया जाता है, एक ऑर्बिटल डीके होता है और जो कि अनकंट्रोल होता है, मतलब इसमें कुछ नहीं किया जाता,
पेरिजी क्या होता है, कोई मुझे बताएगा पेरिजी? ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नियरेस्ट पॉइंट ऑर्बिट का पेरिजी, जो ऑर्बिट होता है उसका नियरेस्ट पॉइंट। तो ये क्या करते हैं, वन वे टू एक्सेलरेट ऑर्बिटल डीके इज टू लोअर द पेरिजी एटीट्यूड सो दैट एटमॉस्फेरिक ड्रैग विल कॉज द स्पेसक्राफ्ट टू एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर रैपिडली। मतलब ये अपने पेरिजी को, यानी कि जिसपे ये घूम रहा है, उस एल्टीट्यूड को नीचे, यानी कि ऊंचाई को कम कर देता है। अब स्पेस जो है वहां पर तो हमें सस्पेंडेड चीजें देखने को मिलती है, ग्रेविटी नहीं है। तो जब धरती के एटमॉस्फेयर पर ही आ जाएंगे तो ग्रेविटी के माध्यम से ऑटोमेटिकली धरती के एटमॉस्फेयर में आकर नष्ट हो जाएंगे। तो ये दैट इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड। और कंट्रोल्ड एंट्री का मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा फ्यूल लगता है, इसमें अलग से जो है वो स्पेसक्राफ्ट को जो है वो वापस नीचे लाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल जो है वो दिया जाता है। इसमें शायद मेंशन भी होगा प्रोपेलेंट विथ लार्जर प्रोपल्शन सिस्टम टू कॉज द स्पेसक्राफ्ट टू एंटर द एटमॉस्फेयर एट अ स्टीपर फ्लाइट पाथ एंगल। तो वापस ये एटमॉस्फेयर पर जो है वो आता है और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर गिरता है, राइट? तो ये कंट्रोल एंट्री होती है और ये अनकंट्रोल एंट्री हम लोग को देखने को मिलती है। और स्पेस डेब्रिस क्या है, मलबा क्या है, इसके खतरे क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है। फ्रेंच सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा था 1996 में, 2009 में रशियन स्पेसक्राफ्ट टकरा गया था, 2007 में चाइना ने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया जिसके कारण से और कचरा हो गया स्पेस के अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। बाकी MT1 सैटेलाइट का नाम याद रखो बस, बाकी और टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। अब आगे की चर्चा करते हैं, जेंडर गैप इन स्टेम फील्ड। तो आपको ऑलरेडी पता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड नेशन ने हाईलाइट किया है कि टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन की आवश्यकता है जेंडर गैप को नैरो करने के लिए स्टेम की फील्ड में, क्योंकि स्टेम यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इस फील्ड के अंदर बहुत कम महिलाएं हम लोग को देखने को मिल रही है, मेनली मेन देखने को मिल रहे हैं। और रिसेंटली इंटरनेशनल वुमेन डे 2023 की थीम जो थी वो थी डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर गैप। अब देखो डिजिट ऑल लिखा है इसमें, सभी के लिए जेंडर इक्वलिटी पर फोकस किया है, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सभी के लिए होनी चाहिए, मैन वुमेन सबके लिए। जेंडर गैप स्टेम फील्ड में हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ग्लोबल लेवल पर 18% है, 18% सिर्फ मात्र महिला का हायर एजुकेशन स्टेम की स्टडीज में है, और बॉयज का 35% हम लोग को देखने को मिलता है। स्टेम फील्ड में ही जेंडर डिवाइड हम लोग को देखने को मिलता है, सिमिलर नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो है वो नेचुरल साइंस जो पढ़ रहे हैं तो ज्यादा बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में है। यूनेस्को ने कहा है कि 41% महिला डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इलिटरेट है, और एज कम्पेयर टू 20% मैन, यानी कि ज्यादा महिला इलिटरेट है कम्पेयर टू मैन। इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में भी यही इशू हम लोग को देखने को मिलता है। डेटा आया ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन फॉर 2020 एंड 2021 का, जिसमें बताया गया कि ओवरऑल अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एम फिल PhD इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो हम लोग को देखने को मिलता है तो उसमें टोटल एनरोलमेंट जो है वो 36,86,291, जहां पर 71% जो स्टूडेंट जो थे वो मेल थे, मात्र 29% फीमेल थे। सभी स्टूडेंट जो स्टेम फील्ड में एनरोल हुए हैं जिसमें महिला जो है वो 53% उनका एनरोलमेंट जो है वो आउटनंबर्ड है मेन से, राइट? और कुछ इंक्रीज जो है वो विटनेस किया गया बाद में, बट गेन जो है वो स्टेम की फील्ड में हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा, ना एम्प्लॉयमेंट इससे बढ़ रही है। अब जेंडर गैप के रीजंस आपको ऑलरेडी पता है, सोसाइटी का एटीट्यूड कि महिला तो घर पे ही रहेंगी, स्टीरियोटिपिकल जो महिला का रोल जो होना चाहिए वो हाउस वाइफ का ही होना चाहिए, राइट? जेंडर बायस इन करिकुला 50% इलस्ट। अब देखो बुक्स में भी नजर यही आता है, टेक्स्ट बुक में लिखा है कि मैथ्स और साइंस की बुक्स में जो इलस्ट्रेशन जो है उसमें ज्यादातर छोटा बच्चा दिखाया गया है, मेल चाइल्ड दिखाया गया, मात्र 6% में फीमेल चाइल्ड दिखाया गया। एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? अब साइंटिस्ट करियर का टाइमिंग भी, जब साइंटिस्ट का करियर शुरू होता है इतनी रिसर्च वगैरह करने के बाद तो वो टाइम पीरियड ऐसा होता है महिलाओं के लिए मैच का, शादी का, राइट? तो ये चीज है। स्टेम इंस्टीट्यूशन की कमी है, कैस्केडिंग इंपैक्ट का मतलब ये है, कैस्केडिंग मतलब लगातार जो हो रहा है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, एक बार फटा फिर फटेगा फिर फटेगा, कंटिन्यूस इफेक्ट उसका देखने को मिला है, कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये इंपैक्ट क्या है कि अगर कम महिला इस फील्ड में है तो उनको देखकर और भी दूसरी महिला ज्वाइन नहीं करती, दिस इज द इशू। फिर सरकार के क्या इनिशिएटिव है, सरकार का एक गति इनिशिएटिव है
जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, ये पायलट प्रोजेक्ट था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जेंडर इक्विटी को प्रमोट करने के लिए। गति के फर्स्ट फेज के अंदर 30 एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किए गए थे डीएसटी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। फोकस जो था वो वुमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर था, उनका रोल फैकल्टी राइट, लीडरशिप रोल फैकल्टी और नंबर ऑफ वुमेन स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स राइट। तो गति का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि जेंडर इक्विटी को जो है वो प्रमोट करना, कि जो महिला जो नहीं है इस रोल में तो उनको जो है वो शामिल करो ज्यादा से ज्यादा राइट, वुमेन पार्टिसिपेशन लीडरशिप रोल में लेकर आओ। किरण इनिशिएटिव, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट एंड रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ये प्लान था कि इनकरेज करेंगे वुमेन साइंटिस्ट को और प्रिवेंट करेंगे कि वुमेन साइंटिस्ट जो है वो अपने फैमिली रीजन के कारण जॉब ना छोड़े राइट, इस फील्ड को ना छोड़े। फिर एक SERB पावर, प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराता है इंश्योर करने के लिए कि इक्वल एक्सेस और अपॉर्चुनिटी जो है वो इंडियन महिलाओं को मिले, इंडियन वुमेन साइंटिस्ट को मिले जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में एंगेज है। फिर एक क्यूरी प्रोग्राम है, कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च थ्रू इनोवेशन एंड एक्सेलेंस इन वुमेन यूनिवर्सिटी, सिर्फ महिला वुमेन यूनिवर्सिटी जो है इनको सपोर्ट किया जा रहा है डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप उसके लिए सपोर्ट किया जा रहा है ऐसे इंस्टीट्यूशन को। विज्ञान ज्योति स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है क्लास 9 से 12 की फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है, कि फीमेल स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना करियर बनाए। अब नेशनल अवार्ड भी शुरू किया गया वुमेन साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए राइट, जो अर्थ सिस्टम साइंस या अर्थ साइंस की फील्ड में जो है वो बेहतरीन जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अर्थ साइंस के द्वारा, इसको नेशनल अवार्ड फॉर वुमेन साइंटिस्ट भी इसमें दिया गया है। फिर ये क्रैश जिसको हम लोग झूला घर बोलते हैं राइट, कि कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप कर रहे हैं क्रैश फैसिलिटीज साइंटिस्ट मदर के लिए, कि जिससे कि उनका काम जो है वो इंटरप्ट ना हो राइट। तो ये चीज है। अब आ जाओ करंट अफेयर्स के क्विज की तरफ, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करता हूँ जिससे कि मुझे आपको आपके कमेंट दिखाई दे। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताओ, NAAC। बताओ बताओ, 51 का सी, दोनों ही करेक्ट है। बी लिखा है, एक मिनट को, ऑटोनोमस बॉडी फंडेड बाय द हायर, ऑटोनोमस बॉडी है हायर एजुकेशनल फाइनेंसिंग एजेंसी थोड़ा फंड करेगी इसको, कौन करेगी, यूजीसी के अंदर आती है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर। ये वाला बताओ, इसका तो सभी आंसर सही दे दोगे, आंसर दिखा तो नहीं किसी को, जल्दी बताओ। फिफ्टी टू का सी तो वैसे मुझे भी लग रहा है, बट इसमें ए क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये पहले पढ़ा हुआ है अपन ने, इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। नहीं, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर नहीं, वो तो NPDA सर, ये नहीं है बताए, ये गलत है इसका, ये गलत है, मतलब कि ये इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा राइट, नोडल एजेंसीज फॉर इंप्लीमेंटिंग ऑफ प्रधानमंत्री। औषधि योजना फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो, ये फैक्ट आप थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो ये इसको रजिस्टर किया गया है फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो इंडिया के तहत
और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कोलैबोरेट किया है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया के साथ, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, अब ये बताओ, अगेन प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, क्या होगा, क्या कब लॉन्च हुई थी? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने क्या इसको लॉन्च किया था 2008 में? गलत, गवर्नमेंट ने सेट किया एक टारगेट की इंक्रीज करेंगे 10,000 बाय 2023, तो ये सही होगा, बी होगा इसका शायद, नहीं सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च नहीं किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल थी ये तो, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ही है यार, सही बात है, पढ़ा तो था पन्ने, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये बताइए, ऑपरेशनल कमांड जो है वो मिलिट्री पर्पस के लिए हमें देखने को मिलती है, कॉम्बैट रेडीनेस के लिए फंक्शनल कमांड है। 55, कंट्रोल्ड एंट्री में डेब्रिस फुटप्रिंट कैन नॉट बी पोजिशनड ओवर एन अनइनहेबिटेड रीजन, स्पेस डेब्रिस encompasses ओनली आर्टिफिशियल दैट इज ह्यूमन मेड ऑर्बिटल डेब्रिस, जरूरी नहीं है स्पेस डेब्रिस के अंदर और भी दूसरे, मलबा तो मलबा हम लोग को देखने को मिलता है। कंट्रोल्ड एंट्री, ये वाला पॉइंट अपन को समझना है, कंट्रोल्ड एंट्री, एक अनकंट्रोल्ड एंट्री होती है कंट्रोल्ड एंट्री, तो डेब्रिस फुटप्रिंट जो है उसको अनइनहेबिटेड रीजन पर जो है वो नहीं रखा जाता, अनइनहेबिटेड मतलब जहां पर लोग नहीं रह रहे हैं, है ना, उस क्षेत्र पर नहीं रखा जा सकता, क्यों नहीं रखा जा सकता? डी दोनों ही गलत हो गए, राइट, अच्छा ओनली लिखा है ना, वहां वो तो गलत था, ये तो हमें भी पता था कि ये गलत है, इसमें वो भी हो सकते हैं, तो दोनों ही गलत हम लोग को देखने को मिलता है, करेक्ट। ये वाला बता दो, क्रिप्टो करेंसी ट्रेड इन इंडिया वो किसके अंडर कवर्ड है? सी, ठीक है। अब ये वाला मैं पीडीएफ जो है उसकी दे रहा हूं, इसमें है कुछ नहीं, इसको रीड कर लो, 6 बज गया, मुझे एक मीटिंग है मेरी, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, मैं पीडीएफ फॉरवर्ड कर रहा हूं, इसको रीड कर लेना, एक रुक जाओ। और 8:30 बजे मिलते हैं अपन, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। चलो पीडीएफ फॉरवर्ड कर दिया मैंने, डाउनलोड कर लो, जय हिंद।